ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे जो सिंध के ग्रोवर्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान थे और इसमें हम भी ज़्यादा उसमें टेंशन में आ गए थे क्योंकि एकदम डिक्लाइन की तरफ ये क्रॉप जा रही थी। तो फिर हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन हुई, हमने जुलाई और अगस्त में बकायदा पूरे सिंध का जहाँ जहाँ ये इसकी नर्सरी लगती है, जहाँ जहाँ ये क्रॉप लगती है या जहाँ जहाँ ट्रांसप्लांट किया गया, हमने उसको थारोली उसको विजिट किया, सैम्पलिंग की और बाकायदा इस चीज़ को हमने डायग्नोज, बल्कि ना सिर्फ हमने किया बल्कि दूसरे इदारों को भी हमने सैंपल भेजे। हमारे ध्यान में ये था कि शायद ये डंपिंग ऑफ, जो आमतौर पे जो नर्सरी में जो प्रॉब्लम होती है डंपिंग ऑफ, एक बीमारी आती है फंगल, वो आती है ना, हमारे ध्यान में तो वो होगी। अब उसके लिए पीथे माता रेजोक्टोनिया आता है, फ्यूजरेम आती है, ये फंगस आते हैं। लेकिन जब हमने सर्वे किया तो हमें लगा कि एक अलग सी चीज़ नज़र आ रही है ना। फिर ग्रोवर्स ने हमें ज़्यादा कंप्लेन की कि सर ये डैम्पिंग ऑफ का इशू नहीं है और ये कुछ दूसरा इशू चल रहा है। फिर हमने सर्वे किया, सर्वे का जो फिर अपना सर्वे का जो कंक्लूजन था, जो हमारा मैंडेट था, वो हमारा खास तौर पे हुसड़ी रिसर्च स्टेशन तो था ही था, उसके अलावा हमारे पास टंडो मोहम्मद खान था, बदीन था, मातली था, नसरपुर था, मीर खास था, टंडोलियार था, टंडोलियार और मटियारी हमारा यहाँ पर नर्सरी का, और हाला, ये मटियारी जो कि हाला जो मटियारी का नारा था वहाँ, ये इसका हब है वहाँ पर जहाँ पे नर्सरी लगती है। तो बाकायदा हमने सर्वे वगैरह किए तो सर्वे से हमें ये हमारी जो है कैलकुलेशन है, जो हमारी आइसोलेशन है, हमने जो लेबॉरेटरी में आइसोलेशन की उसमें हमें फ्यूजेरम ऑक्सीस्पोरम मिला जो कि डंपिंग ऑफ डिजीज कास करता है। हमने फिर यही सैंपल हमने भेजे यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी वालों ने जब में उसमें नर्सरी में से जमा और कर प्लांट में लिया से जो उन्होंने ट्रांस, हेलो आवाज आ रही सर मेरी जी। डॉक्टर साहब आ रही है वो, आप जारी रखें प्लीज। जी हाँ। तो फिर हमने सैंपल वो यूनिवर्सिटी वालों को भेजे, उनकी हमने देखते हैं इनकी फाइंडिंग क्या आते हैं, उन्होंने भी पीथियम और राइजोक्टोनिया निकाला हेलो नर्सरी से। पावर साहब, हमें अटेंड करें, आप म्यूट कर दें सारों को, पावर म्यूट कर दें। सर आवाज आ रही है मेरी? जी डॉक्टर साहब आ रही है, आप जारी अच्छा, रखें तो प्लीज। फिर सर हमने क्या किया, हमने वही सैंपल PCSIR कराची, NARC इस्लामाबाद हमने भेजे। उनकी भी रिपोर्ट हमारे पास आ गई थी क्योंकि हम बड़े क्विक सर्विस में थे, हमने उनकी रिपोर्ट ली तो उन्होंने भी, लेकिन आयुब रिसर्च वालों ने वहाँ भी हमने भेजा था फैसलाबाद, यही सैंपल ना, उन्होंने बैक्टीरिया निकाला उस सैंपल से, लेकिन उनके पास फंगल और नेमाटोड नहीं आए थे। लेकिन जो सैंपल हमने भेजे NARC इस्लामाबाद, उन्होंने निकाला सॉफ्ट बैक्टीरिया और फ्यूजेरियम और एंथ्रेक्नोज जो कि हमारे पास भी निकला था। तो हम चारों इदारों के जो थे, जो उन्होंने डायग्नोज किए थे, जो पैथोलॉजी निकाले थे, उनको सबको मद्देनजर रखते हुए फिर हमने एक अपनी फाइंडिंग की। अब असल में क्या होता है कि डैम्पिंग ऑफ में क्या होता है कि डैम्पिंग ऑफ में दो तरह की डिजीज होती है ना, ये कि वो दो तरह से जाहिर करती है निशानात बीमारी के, एक तो वो सीड जब आपका निकल रहा है उस वक्त और सीड निकलने के बाद। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी जैसे ही आपकी नर्सरी हुई तकरीबन 1.5-2 महीने की, तो ये प्रॉब्लम उसमें आ रही थी। अब इसमें भी सिम्टम्स उसी तरह के होते हैं कि पहले येलोइश हो जाता है, फिर वाइट हो जाता है और फिर उसकी डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। डैम्पिंग ऑफ में भी यही कंडीशन होती है सिम्टम्स की। तो बहरहाल हमने जब ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखा तो हमें ये पता चला इसके अंदर पैथोजिन जो है हमें मिला है वो फ्यूजेरियम राइजोक्टोनिया और पीथियम मिला है जो कि पैथोजिन को काज करता है इसको पीथियम को, और एक भाग में मिला बैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया के सर मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि बैक्टीरिया का हमारे पास सिंध में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम पिछले कई सालों में हुआ नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है कि बैक्टीरिया हमें मिला है। और बैक्टीरिया आमतौर पे वहाँ मिलता है जहाँ पे आपका पानी खड़ा हो, जैसे कि पिछले साल जो बरसात हुई थी हमारी उसके अंदर पानी हमारी फील्ड में तकरीबन जो लो लाइंग एरिया था वहाँ पे 5 से 6 महीने खड़े रहे थे। अगर आप अपर सिंध पे चले जाएं तो वहाँ पे 7-8 महीने पानी खड़ा रहा था। अब इन हमारे पास जब हमने ये सर्वे किया और रिपोर्ट हमने फाइनल की तो हमारे जहन में दो बातें आईं, इन इन सारी चीज़ों को मद्देनजर के इस सारी चीज़ों का कंक्लूजन, इसका सारी चीज़ों का रिकमेंडेशन हमें जो हमें मिला वो दो हमें मिला। एक तो मैंने अर्ज की कि ये हमें फंजी फंजाई और बैक्टीरिया में मिला। दूसरा सर इससे ज़्यादा जो बड़ा फैक्टर था वो बीमारी से भी ज़्यादा था, वो ये था कि पिछले साल आपको याद होगा सर सिंध में बरसात बहुत ज़्यादा हुई थी, तो उसमें क्या हुआ कि पानी खड़ा था तकरीबन 5-6 महीने खड़ा रहा ना,
उसमें क्या हुआ कि आपका जो पानी जो खड़ा हुआ था, आपके जो न्यूट्रिएंट्स जमीन में जो होते हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे हो गए लीच डाउन और आपकी वाटर टेबल ऊपर आ गया और आपका जो साल्ट था वो ऊपर आ गया ना। जब लीच डाउन हो गया आपके न्यूट्रंट तो साल्ट ऊपर आ गया, और इसकी जो रूट्स होती है ना सर, वो होती है सेंटीमीटर्स के अंदर, ना कि वो इतनी रूट डिप इतनी होती है, रूट सेंटीमीटर में होती है। ऊपर आपका वो क्या नाम है, वो साल्ट था, इसकी सेंटीमीटर्स में रूट्स होती है। तो जैसे ही इन्होंने पनीरी लगाई या पनीरी को ट्रांसफर किया, तो साल्ट तो था ना, उसने उसको ग्रो करने नहीं दिया। एक मेजर इशू ये था। उसके बाद जब आपकी सॉयल कम्पैक्टनेस की तरफ जाएगी, तो डेफिनेटली जितने भी आपके सॉयल बॉर्न पैथोजिन हैं वो प्रमोट होंगे। तो इसके साथ भी यही हुआ है। पहला इशू ये था कि जो भी आपके जो पिछले साल के जो भी थी आपकी पानी की वजह से जो स्टैंडिंग खराब थी या उसमें पानी खड़ा रहा, एक तो वो इशू हो गया। दूसरा से जब उन्होंने वो पनीरें लगाई तो उसके अंदर ये तीनों पैथोजिन मैंने वैसे सबको बताया, जो कि डंपिंग ऑफ को भी काज करते हैं, पीथियम, राइजोक्टोनिया, फ्यूजेरियम और प्लस सॉफ्ट रॉट बैक्टीरिया जो है वो खास करते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने ग्रोअर्स की फील्ड पे कुछ जल्दी जल्दी में जो हमसे हो सका, हमने जल्दी जल्दी सेमिनार भी किए, वर्कशॉप भी किए, अवेयरनेस भी उनको दी। अब मसला ये है कि जो नुकसान होना था वो तो हो गया, वो तो ज़ाहिर सीधी सी बात है वो कंट्रोल की तरफ नहीं आएगा। लेकिन हमारा या हमारे डिपार्टमेंट का यही ऑब्जेक्ट था कि अब आइंदा साल के लिए ये प्रॉब्लम है ना, ये ग्रोअर्स को फेस ना करनी पड़े, और हमारा भी यही मकसद था। और इसमें हमने जो फाइंडिंग निकाली है वो ये है कि अगर आप फंजीसाइड्स को कंट्रोल कर रहे हैं और बैक्टीरिया भी इसके अंदर है ना, तो आप कार्बिनिज्म 250 ग्राम 120 लीटर पानी में, और उसके अंदर क्योंकि बैक्टीरिया भी इसके अंदर आया है, तो सॉफ्ट रॉक जो बैक्टीरिया उसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन एक बॉटल आती है, वो 60 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इन दोनों को मिला के, एक तो ड्रेंचिंग का हमने कहा है और दूसरा हमने मेट्रालेक्सल जो फंजीसाइड है कॉपर बेस, उसको हमने स्प्रे के लिए कराया है। और जब हमने ग्रोवर्स को रिकमेंडेशन दी आप ये दो चीजें अप्लाई कराएं, तो फिर हमने इसका फॉलोअप भी लिया। तो सैयद नदीम शाह की जमीन पे हमने ये ट्रायल कराया था। उसके बाद जब ये प्रॉब्लम आई तो हमने उनको कहा था कि आप फंजीसाइड्स का स्प्रे करें, मैनकोजैब मेट्रालेक्सल। तो उन्होंने स्प्रे किया, एक हफ्ते के बाद हम वहां गए, उन्होंने कहा नहीं खाली साहब, और हमारी टीम भी थी पूरी, यूनिवर्सिटी के भी थे, उन्होंने कहा नहीं रिजल्ट हमें पहले स्प्रे में मिला है, लेकिन दूसरे स्प्रे में जब हम जब जा रहे थे तो दोबारा पानी को बरसात हो गई। तो हमने स्ट्रिक्टली उनको कहा है। और फिर उसके अलावा नसरपुर में अब्दुल जबार मेमन साहब, उनकी नर्सरी सर लगी हुई थी 170 एकड़ के ऊपर, 170 एकड़ की नर्सरी थी जो कि इस बीमारी की वजह से या इस डिजास्टर की वजह से खत्म हो गई थी। जो बच गई थी वहां पे हमने इनको कहा कि आप ये रिकमेंडेशन कराएं, ये एप्लीकेशन करवाएं। उन्होंने वहां पे जो उनके पास बची हुई थी वहां पे उन्होंने दोनों एप्लीकेशन ट्रेंचिंग भी कराई और उन्होंने स्प्रे भी करवाया। तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास जो बच गई थी वो हमें होपफुली उनके रिजल्ट मिले हैं और वो अब लश ग्रीन की तरफ जा रही है, और जो प्रॉब्लम था उनका वो काफी हद तक कम हो गया था। लेकिन जो नुकसान हो चुका था उसको तो ज़्यादा रिकवर हम नहीं कर सकते थे। इसका इसकी मिसाल ऐसे ही है सर, अब जैसे कि एक आदमी को कैंसर हो जाए, ना करे किसी को कैंसर हो जाए, कोई ऐसी बीमारी हो, तो वो अगर 70 या 40 60 से ऊपर बीमारी है तो उसके पास डॉक्टर ये कहेगा भाई अब तो आखिरी स्टेज पे चल रहा है, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ अगर इनिशियल स्टेज में हम करना चाहें तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमने भी वही तरीका अप्लाई किया। अब जहाँ जहाँ प्रॉब्लम नहीं थी या जहाँ शुरू हुई थी वहाँ मैंने अपने ये दो एप्लीकेशनें करवाई हैं, ट्रेंचिंग भी करवाया है, स्प्रे भी करवाया है। तो वहां पे हमें ग्रोअर्स की फोन आ रहे हैं, कॉल आ रही है, नहीं हमारे पास इसकी रिजल्ट हमें अच्छी मिल रही है। और यही एप्लीकेशन हमने अपने ओन इन स्टेशन उसड़ी में भी करवाई, क्योंकि वो तो वहां पे आजकल वो डायरेक्टर दूसरी चेंज हुई है, परवीन अख्तर, तो उनको भी मैंने रिकमेंडेशन दी थी, उनको भी मैंने इनसे रिजल्ट लिया। उन्होंने कहा नहीं खालिद साहब हमारे पास एप्लीकेशन दो कर चुके हैं और तीसरी की तरफ जा रहे हैं और रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिले हैं इस चीज़ के। तो असल में चीज ये है कि असल में ये प्रॉब्लम्स आ तो गई थी, लेकिन डायग्नोज होने में, क्योंकि बैक्टीरिया भी शामिल था इसके अंदर ना, तो वो उसमें डायग्नोज होने में थोड़ा सा टाइम लगा, जिस वजह से ग्रोवर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगला जो सीजन आएगा इंशाल्लाह उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी नर्सरी सर, हम मैं आपको ये बता दूं, हमारे पास नर्सरी की जो है ना वो दो पीरियड होते हैं, एक तो होती है रबी में होती है खरीफ में। तो खरीफ रबी वाली जो थी ना वो तो डेमेज, इस वक्त जो डेमेज हो चुकी थी ना वो, लेकिन अब आइंदा जो ये लगाएंगे उसके अंदर मैं समझता हूँ कि अगर रिकमेंडेशन हम इनको ये देंगे ग्रोवर्स को कि आप ड्रेंचिंग भी करें
और स्प्रे भी करें, और जब आप सीड लगाएं तो सीड को ट्रीट भी करें किसी फंजीसाइड से, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहरहाल हमारा जो मैंडेट था वो हमने इसको डायग्नोस किया कि इसके अंदर पैथोजिन मतलब फ्यूजेरियम रेजेक्टोनिया और पीथियम है, सॉफ्ट बैक्टीरिया प्लस हमारा जो सॉइल्स का मसला था वो भी है। अच्छा, उस सॉइल को मद्देनजर रखते हुए सर हमने ये रिकमेंडेशन दी कि अगर आपकी सॉइल, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो आपके जो भी न्यूट्रंस थे वो लीच डाउन हो गए, अब उस न्यूट्रंस को कैसे प्रमोट करिए, तो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि आमतौर पे 16 तरह के न्यूट्रंस प्लांट को मुख्तलिफ स्टेजेस में जरूरत होती है। अब वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये तो प्लांट लेता है हवा और पानी से, अब बाकी जो 13 न्यूट्रंस बच गए वो तो आप मैक्रो और मैक्रो वो तो जमीन से लेगा। अब वो जब आपके न्यूट्रंस लीच डाउन हो गए, अब उसको सॉइल्स को कैसे प्रमोट किया जाए, उसके लिए फिर हमने सॉइल एनालिसिस भी करवाया, उनकी रिपोर्ट भी हुई। उनकी रिपोर्ट से हमें ये अंदाजा हुआ कि हमें जो पीएच मिली थी ना सर, जिन जिन स्पॉट से हमने डायग्नोस किया पैथोजिन फ्यूजेरियम या सॉफ्ट रॉट, उनकी पीएच 8.9 में हमें मिली है, 8.9। असल में ओनियन के लिए बेस्ट ग्रो जो कहते हैं कि पीएच है वो होनी चाहिए 6 to 7, और आपकी जो सॉइल है वो हमें जो मिली है इन इन एनालाइज में सॉइल जो मिली है वो सिल्ट लोम मिली है। हालांकि ओनियन के बारे में ये है कि ओनियन की कल्टीवेशन या ओरन की नर्सरी किसी भी सॉइल में हो सकती है, लेकिन बेस्ट अगर आप रिजल्ट चाहते हो तो आपको सैंडी लूम सॉइल में अच्छी मिलेगी। तो ये भी रिकमेंडेशन हमने सामने रखते हुए हमने फिर सॉइल के हवाले से रिकमेंडेशन निकाली कि एक बोरी नाइट्रोफॉस पर एकड़, 2 किलो सल्फर और 8 किलो ह्यूमिक एसिड, ये पर एकड़ अगर अप्लाई कराया जाए तो आपकी जो सॉइल कंपोनेंट्स जो सख्त हो गई है या आपके न्यूट्रंस नहीं है या फिर आपकी जो सख्त हो गई सॉइल उसको फर्टाइल करने के लिए पर एकड़ ये एप्लीकेशन हमने करवाई है। और ये पहली शुरुआत हमने कराई है अपने स्टेशन हुसड़ी से, और एक ग्रोअर है अब्दुल जब्बार नसरपुर में, उनको भी हमने रिकमेंडेशन दी है, उन्होंने कहा नहीं हमारी जमीन तैयार होगी इंशाल्लाह हम ये करवाएंगे। और ये जनरल रिकमेंडेशन है सर, ये ओनियन के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने कहा जैसे आपको कहा कि जब ये बरसात हुई तो पूरी की पूरा बेल्ट हमारा डेट पाम देखे तो लोअर से अपर से हमारा तबाह हो गया था, तो ये प्रॉब्लम हमें वहां पे भी नजर आई है। तो ये रिकमेंडेशन जो सॉइल की है जिसमें नाइट्रोफास या सल्फर है या फिर आपका जो है ये ह्यूमिक एसिड है, ये सारी क्रॉप के लिए है, ये ना कि सिर्फ ओनियन के लिए है। इसमें क्या होगा कि आपके अंदर सॉइल के अंदर फर्टाइल आएगी, और इसका मैंने कहा इसका जो सीड होता है इसके जो रूट्स होती है वो सेंटीमीटर में होती है, तो वो अच्छा ग्रो होगा और फर्टाइल होगा और उसको इन्वायरमेंटल एक अच्छा मिलेगा, जिसकी वजह से ये आपका जो है ये जो प्रॉब्लम आया काफी हद तक रिमूव हो जाएगा। ये दो चीज हमने देखी है, एक सॉइल का मसला है, दूसरा पैथोजिन का, वो हमने इंशाल्लाह डायग्नोस कर लिया है और ग्रोवर्स को हमने एप्लीकेशन भी करवा दी है। कहीं कहीं से जो हमने जहाँ पे उनके पास क्रॉप लगी हुई थी वहां से हमें फीडबैक भी आया, हमने विजिट भी किया है, रिविजिट भी किया है, उन्होंने कहा नहीं हमें अच्छे रिजल्ट इसके मिले। तो बहरहाल ये हमारी फाइंडिंग थी जो हमने करंट प्रॉब्लम को देखते हुए हमने इसको ना कि सर्वे किया, और बाकायदा हमने हमारा डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाला, हमने उनको भी ये रिकमेंडेशन दिए ताकि वो एक्सटेंड करे अपने एक्सटेंशन वर्कर को या फील्ड बेलदार या फील्ड असिस्टेंट ये जो भी है, ताकि ये रूट्स लेवल तक ये प्रॉब्लम जाए। तो हमारा उनसे भी रब्ता था, है, उन्होंने भी काफ़ी हद तक इस इंफॉर्मेशन को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू फैलाया। जी सर,